Hello students, once again welcome you all in this e-learning class. So students, हमने यहाँ पर class 4 का subject EVS environmental science हमने start किया हुआ है, जिसमें हमने chapter number 4 from the window already start किया हुआ था part first of video में. तो आज हम इसी chapter को from the window को क्या करेंगे, continue करेंगे, क्योंकि हमने part first of video में इसको अभी complete नहीं किया हुआ था. तो इस वीडियो में हम फ्रॉम द विंडो का जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे. तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम देखेंगे कि वीडियो नंबर एक में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, वो थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में रितु नाम की जो लड़की थी वो अपने अप्पा के साथ ट्रेन में जर्नी कर रही थी, सफ़र कर रही थी. तो जर्नी के दौरान रितु बहुत सारी चीज़ें ट्रेन से बाहर देखती है, यानी कि बहुत सारे खूबसूरत मंजर उसको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पॉन्ड्स तालाब देखने को मिलते हैं, रिवर देखने को मिलते हैं, ठीक, ये सब देखने को मिलते हैं. और इसी तरह क्या देखती है स्टूडेंट्स, रितु आगे जाके देखती है कि उनकी जो ट्रेन है यानी कि उनका जो रेल है वो आगे जाके एक बहुत बड़े एक क्रॉसिंग लाइन पर जाके क्या करती है, रुकती है, जहाँ पर बहुत सारे गाड़ियाँ क्या करती है उस ट्रेन के जाने के इंतज़ार करती है. तो जो ही ट्रेन जाती है वो गाड़ियाँ सब क्या करती है, क्रॉसिंग लाइन से आगे बढ़ती है. तो इसी तरह क्या है स्टूडेंट्स, रितु देखती है कि उसके अपोजिट साइड से यानी कि दूसरे साइड से और एक ट्रेन भी गुजरती है. फिर रितु और अजय कोशिश करते हैं कि उस ट्रेन में कितने कैरेज है यानी कि कितने डब्बे हैं उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं रितु और अजय मिलकर. लेकिन उस ट्रेन की रफ्तार इतनी स्पीड होती है स्टूडेंट्स की, वो क्या हो जाती है, रितु और अजय पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उस जो डब्बों को यानी कैरेज को वो गिन नहीं पाते हैं. तो यहाँ तक हमने पार्ट फर्स्ट ऑफ वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था. तो आज इसी से क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे आज का वीडियो. सो लेट्स बिगिन दिस क्लास एंड कंटिन्यू द सेम चैप्टर. Later, I was sitting near the window with my eyes closed. यहाँ पर रितु बोल रही है बच्चों की, फिर वो जाके ट्रेन के जो खिड़की के सामने जाके यानी कि विंडो के सामने बैठ गई, अपने जो आइज को यानी कि आंखों को क्लोज करके बंद करके. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड. तो अचानक से क्या हुआ, जो ट्रेन का जो साउंड था यानी कि ट्रेन का जो चलने का जो आवाज़ था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि चेंज हो गया. कुट 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 यानी कि आवाज़ कैसा चेंज होने लगा उसका, कुट कुट आवाज़ करके उसका चेंज होने लगा. आई ओपन इट माई आइज, फिर मुझे अचानक से क्या हो गया, मैंने अपनी आँखें खोला. गेस व्हाट आई सा, आप बोल रही है आप सोचो कि मैंने क्या देखा. आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. तो जब मैंने आंखें खोल के जब देखा तो हमारा ट्रेन क्या हो रही थी, एक बहुत ही बड़े एक रिवर के ऊपर से और एक बहुत ही बड़ा एक ब्रिज से यानी कि एक बहुत ही बड़ा पुल के ऊपर से गुजर रही थी जिसके नीचे आया था, पुल के नीचे बहुत ही एक बड़ा रिवर था. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंटली. तो जब ये जो ट्रेन था ब्रिज के ऊपर से यानी कि पुल के ऊपर से जब गुजर रही थी तो इसका आवाज़ क्या हो रहा था, इसका साउंड बिल्कुल चेंज हो गया. द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो. अब जब व्हील बोलते हैं हम ट्रेन के जो पहिए को हम बोलते हैं व्हील, वो द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड. तो व्हील्स जो है यानी कि जो ट्रेन के जो पहिए हैं ऐसे आवाज़ निकल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मतलब जो व्हील के नीचे कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ क्या है उसके ट्रैक दिखाई दे रहे थे यानी कि जिसके ऊपर ट्रेन चल रहा था वो उसकी जो पटरियाँ सिर्फ हमें दिख रहा था. ओनली द ट्रैक एंड द वाटर डाउन बिलो. तो हमें क्या दिख रहा था, सिर्फ जो ट्रेन के नीचे की पटरी और नीचे का जो ब्रिज के नीचे जो पानी था, जो वाटर था, वही दिखाई दे रहा था. व्हेन आई फर्स्ट लुक्ड डाउन आई फेल्ट गिडी. यानी कि जब मैंने पहले देखा, जो पहली नज़र में जब मैंने नीचे देखा तो नीचे जब ब्रिज से नीचे जब मैंने देखा तो मुझे क्या लगा, थोड़ा गिडी. आई फील गिडी मीन्स मुझे थोड़ा चक्कर सा आने लगा. इट वॉज रियली क्वाइट स्कारी. और ये क्या था, बहुत ही एक डरावना का क्या था, एक मंजर था. स्कारी मीन्स डर का एक बहुत ही मंजर था. द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स. तो जो पुल के नीचे जो रिवर थी यानी कि जो रिवर वहाँ पर थी, वहाँ पर क्या थे, कुछ बोट्स थे यानी कि कुछ कश्तियाँ भी वहाँ पर थी. आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन्स ऑन द बैंक्स.
अब वहां पर क्या नीचे जब, और मैंने जब नीचे देखा तो बोट के ब्रिज के नीचे जब देखा तो वहां पर कुछ लोग क्या कर रहे थे, फिशरमैन को भी मैंने देखा जो क्या कर रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे। आई वेव इट एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी। तो मैंने क्या किया, उन फिशरमैन लोगों को मैंने क्या किया, वेव किया अपने हाथों से उनकी तरफ इशारा किया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि उनको जो मेरा जो वेव था यानी कि जो मैंने जो हाथों से इशारा किया वो उन्हें दिखाई दिया कि नहीं दिया, ये मुझे पता नहीं चला। अलोंग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स। तो हमारा जो ब्रिज थी यानी कि जहाँ से हमारा जो ट्रेन जो गुजर रही थी उसके अपोजिट साइड से और एक ब्रिज थी यानी कि और एक भी पुल थी। अब उस पुल से क्या गुजर रहे थे, बस और कार उस पुल से गुजर रही थी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चों तस्वीर में, ट्रेन के जो अपोजिट साइड में आपको और एक ब्रिज जिसके ऊपर क्या चल रहे, बस और कार चल रही। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स। अब ये जो जहाँ पर जिस ब्रिज पे जिस पुल पे जो ट्रेन चल रही थी और जिस पुल पे बसेस और कार जो चल रही थी, वो जो ब्रिज थे एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे यानी कि उन वो अलग अलग तरीके से बने हुए थे। आई थिंक गोइंग ओवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। अब यहाँ पर ऋतु बोल रही है एक ब्रिज के ऊपर से जाना क्या बहुत क्या एक एडवेंचरस है। एडवेंचरस हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर आपको थोड़ा डर भी हो और आपको थोड़ा अच्छा भी लगता है उसको एडवेंचरस हम बोलते हैं। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम इट ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। अब जो लास्ट के कुछ जो घंटे थे वो क्या बोल रही ऋतु, बहुत ही एक्साइटिंग बहुत ही मज़े वाले टाइम थे। क्यों, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम इट ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। अब जब मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया तो मैं क्या हो गया, ट्रेन के जो ऊपर वाले सीट पर चढ़ गई और वहाँ पर जाके मैंने क्या किया, कॉमिक्स रीड करना स्टार्ट किया। कॉमिक्स रीड्स मीन्स कॉमिक्स हम बोलते हैं जहाँ पर कार्टून वार्टून की जो स्टोरी होती है। तो यहाँ पर ऋतु बोल रही है मैंने क्या किया फिर, जो कार्टून्स की जो कॉमिक्स वहाँ पर मैंने रीडिंग स्टार्ट किया। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। और जो बाहर का जो मौसम था बिल्कुल क्या था, ब्राइट था, तेज़ धूप था और क्या था, मौसम पूरी तरह साफ था। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क। अचानक से क्या हो गया, पूरा ट्रेन में सब कुछ क्या हो गया, अंधेरा छा गया यानी कि डार्कनेस छा गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इन साइड। और अंदर जो ट्रेन के अंदर हमें थोड़ा सा कोल्ड भी यानी कि थोड़ा सर्दी भी हमें फील हो गया। आई वॉज अफ्रेड। अब यहाँ पर ऋतु बोल रही मुझे थोड़ा क्या लग गया, डर लग गया। अफ्रेड मीन्स डर लग गया। देन द लाइट इन द ट्रेन वेयर स्विचड ऑन। फिर जब ट्रेन में पूरी तरह अंधेरा छा गया तो क्या किया, वहाँ पर हमने लाइट को क्या किया, ऑन किया। ट्रेन के अंदर हमने लाइट का स्विच को ऑन किया। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन जो ट्रेन के जो बाहर था आउटसाइड था बहुत क्या था, अंधेरा था यानी कि डार्क था। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल। अब कुछ लोगों ने क्या बोला, हम कहाँ पर पहुँचे, एक टनल के अंदर पहुँच गए हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। और ये जो टनल था वो किस से गुजर रहा था, माउंटेन से यानी कि पहाड़ के बीच से गुजर रहा था। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड देन जस्ट सडनली वी वेयर इन डे लाइट अगेन। अब टनल क्या हो गया, काफ़ी एक दो दो तीन टनल जब हम ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो उस बीच लगभग दो तीन टनल आ गए और अचानक से हम क्या हो गया, अचानक से सडनली वी वेयर इन डे लाइट अगेन। फिर अचानक से हम क्या हो गया, बाहर की जो डे लाइट में आ गए यानी कि फिर से डार्कनेस से हम उजाले की तरह लाइट की तरह हम आ गए। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। और जो बाहर क्या था, उस वक्त जो टनल से हम जब बाहर निकले तो बाहर क्या था, बिल्कुल धूप खिला हुआ था और बाकी क्या था, काफ़ी लाइट था। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो ट्रेन ने क्या किया था, एक टनल को क्रॉस किया हुआ था। जैसे यहाँ पर आपको टनल दिखाई दे रहा है बच्चों टेक्स्ट पे। तो अप्पा ने क्या बोला मुझे बच्चों कि अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो अप्पा ने मुझे बोला कि हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक माउंटेन को यानी कि पहाड़ को हमने क्रॉस करके पहाड़ के दूसरे साइड हम पहुँच गए। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू फोर स्मॉलर टनल्स। अप्पा ने मुझे बोला कि हमने लगभग चार टनल जो है वो हमने क्रॉस किए अब तक। Now I am enjoying going through the tunnel. अब मुझे क्या हो गया, थोड़ा मज़ा आने लगा किसके टनल के, टनल से चलते हुए थोड़ा मुझे क्या अच्छा लगने लगा। तो आज के इस क्लास में हम यही तक रखेंगे बच्चों।
क्योंकि अगर इससे भी और आगे बढ़ गए तो थोड़ा वो आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो यहीं तक हम आज स्टॉप करेंगे, और जो आपको दूसरा बचा हुआ वो हम दूसरे वीडियो में, हम लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं और एक बार फिर से आप लोग को यहाँ पर रीडिंग करके सुनाऊंगा, आप लोग केयरफुली लिसन करेंगे। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज इट कुट कुट कुट। आई ओपन इट माई आईज, गेस वट आई सा। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। As it was crossing the bridge, it sounded very differently. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen on the banks. I waved at them, but I did not know if they could see me. Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. यानी कि यहाँ पर बोल रही कि जो हमारा जो ट्रेन जिस ब्रिज से चल रही थी उसके अपोजिट साइड से और एक ब्रिज थी जिसमें क्या चल रहे थे, जिसपे बसेस और कार चल रहे थे। This was built differently from ours. I think going over bridge was more adventurous. The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed on the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. Suddenly, everything becomes dark. It also felt a little cold inside. I was afraid. Then the light in the train were switched on, but outside it was very dark. Somebody said, "We have entered a tunnel. This goes right through the mountain." The tunnel seemed to go on, and then just suddenly we were in daylight again. Outside it was sunny, bright and green. The train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then we have passed through four smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnel. तो ये आपको आज का लेसन था। अब यहाँ पर देखेंगे आज के इस लेसन में हम यहाँ पर कुछ आपको टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिया है, हम देखेंगे इसमें क्या क्या आपको क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको ही करना है बच्चों, क्योंकि ये आपको खुद सॉल्व करना है। जैसे आप यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, हैव यू seen any bridge where? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि have you seen any bridge where? अब ये बोल रहे हैं कि आपने क्या कहीं पे कोई ब्रिज देखा है, यानी कि कोई पुल देखा है। तो पुल देखा है तो उस पुल का नाम बोलो, यानी कि कहाँ पर आपने पुल देखा है, ये आप खुद कर सकते हो। इसी तरह have you ever crossed a bridge where? अब यहाँ पर बोल रहे हैं आपने कभी क्या किसी पुल को क्रॉस किया है, किसी ब्रिज को क्रॉस किया है। अगर ब्रिज को क्रॉस किया है तो कहाँ पर आपने ब्रिज को क्रॉस किया है। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? अब यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि आप जो ब्रिज है उस ब्रिज के नीचे आपको क्या दिखता है। तो हमें क्या दिखता है स्टूडेंट्स, ब्रिज के नीचे हमें क्या दिखता है, पानी दिखता है, वाटर दिखता है। फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि फाइंड आउट व्हाई ब्रिज आर मेड, यानी कि बोले कि ब्रिज क्यों बनाया गया। तो ब्रिज किस लिए बनाया है स्टूडेंट्स, ताकि हम किसी रिवर को क्रॉस कर सके, ठीक, एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए हमें ब्रिज हम बनाते हैं। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील? अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है आपको, क्या आप कभी किसी टनल के थ्रू गए हो? अगर टनल के थ्रू गए हो तो आपको कैसे महसूस होता है? तो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम टनल में जाते हैं उसको क्या होता है, थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह अंधेरा होता है। तो ये थे आपको कुछ टेक्स के कुछ क्वेश्चन थे आपको, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। तो आज के इस लेसन में यही तक हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और जो इसमें जो और थोड़ा जो बचा है वो हम वीडियो के पार्ट नंबर 3 में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।